अच्छा लग रहा होगा क्योंकि ये सब हम डेली यूज में मनी को यूज करते हैं। अब आपको कॉम्बिनेशन बनाना हमने बताया था नोट का, कॉइन्स का, कितने अगर कॉइन्स वैल्यू सेम होनी चाहिए चाहे वो पैसे कितने भी हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 50 रुपीज का अगर नोट किसी के पास है, आपके पास 10 के 5 नोट हैं, तो वैल्यू सेम होगी। उसी चीज को दोबारा दूसरी एक्सरसाइज में दूसरी तरह से बताया जा रहा है। देखिए लेट्स ट्राई टू में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या ब्लैंक में फिल करना है? 20 रुपीज नोट कैन बी एक्सचेंज, मतलब 20 रुपीज का नोट हो तो हम किसमें एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर 5 रुपीज के नोट से हमें एक्सचेंज करना है तो हमें कितने 5 रुपीज के नोट की जरूरत होगी? 20 रुपीज का नोट है, 1, 2, 3, 4 5 रुपीज के नोट, प्लस करके देखना है, 5 + 5 = 10, 10 + 5 = 15, 15 + 5 = 20। मीन्स हम चार नोट हों 5 रुपीज के तो उसको 20 रुपीज के नोट से एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या फिल करेंगे, 4 5 रुपीज के नोट 20 रुपीज के नोट के साथ एक्सचेंज हो सकता है। दूसरा देखिए, सेकेंड है ₹10 का नोट है, कैन बी एक्सचेंज फॉर 5 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज के कॉइन के साथ ₹2 के कॉइन के साथ कितने कॉइन होने चाहिए कि 10 रुपीज का नोट कंप्लीट हो जाए? तो देखिए 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, 6 + 2 = 8, 8 + 2 = 10, तो 1, 2, 3, 4, 5 5 जो है कॉइन्स होंगे 2 रुपीज के, तो वो 10 रुपीज के नोट या 10 रुपीज के कॉइन दोनों से ही हम उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ हम फिर क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 5 जो है वो 2 रुपीज का कॉइन होगा तो हम उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। ऐसे ही अगले बहुत सारे नोट के बारे में हो सकता है। अब उसी चीज को देखिए, आपको मल्टीपल चॉइस में करके दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से। 10 रुपीज का कैन बी एक्सचेंज, 10 रुपीज किस से एक्सचेंज हो सकता है? 1 5 रुपीज के नोट से, 2 5 रुपीज के नोट से या 3 5 रुपीज के नोट से? 5 + 5 = 10, तो 2 जो है 5 रुपीज के नोट होंगे तो वो 10 रुपीज के नोट के साथ एक्सचेंज हो सकते हैं, तो हम 2 वाले पे टिक करेंगे। दूसरा देखिए, 50 रुपीज का नोट है, इसको हम किस से एक्सचेंज कर सकते हैं? 20 + 20 + 10 कितना हुआ, 50 हो गया, इसमें टिक करना है। देखिए अगला, अगर अगला क्या है, 20 + 20 + 20 20 20 20 कितना हो जाएगा बच्चों, 60 हो जाएगा, 20 60 हो जाएगा, तो ये ज्यादा हो गया, इससे एक्सचेंज नहीं हो सकता है। 20 + 20 = 40 + 10 = 50 + 10 = 60 ये भी ज्यादा है, ये भी नहीं होगा, तो 20 + 20 = 40 + 10 = 50 तो 50 रुपीज से हम 2 20 रुपीज का नोट और 1 10 रुपीज का नोट मिलाकर के एक्सचेंज कर सकते हैं। अब देखिए राइट दी थर्ड नंबर है, राइट द वैल्यू ऑफ द ब्लैंक नोट्स। अब आपको ये बताना है कि जैसे 5 रुपीज का ये कॉइन है तो हम कितने से एक्सचेंज कर सकते हैं? कोई अगर हमें 2 और 2 का 2 कॉइन दे रहा है तो हम उससे और कितना डिमांड करेंगे कि आप इतना और दो तब आपका 5 रुपीज से एक्सचेंज होगा। कितना देंगे, 2 + 2 कितना हो गया, 4 4 रुपीज है, तो 5 करने के लिए हमें और कितना चाहिए, 1 रुपीज हम और लेंगे तो 5 रुपीज कंप्लीट हो जाएगा। तो हम 2 + 2 + 1 का कॉइन लेंगे तो 5 रुपीज से 5 रुपीज के कॉइन से एक्सचेंज हो जाएगा। अब है 10 रुपीज कैन बी एक्सचेंज फॉर, 10 रुपीज के नोट को हमको एक्सचेंज करना है, 5 रुपीज का नोट है, हमें अब कितना और चाहिए, 5 + 5 करेंगे तब हमारा होगा, तो एक नोट है, हमें एक और नोट 5 रुपीज की चाहिए। फिर है 20 रुपीज, 20 रुपीज कैन बी एक्सचेंज फॉर, अब 10 रुपीज का एक नोट है, हमें और कितना चाहिए, कितना चाहिए, 10 रुपीज, हमें 10 रुपीज का और नोट चाहिए
तब ये हम 20 से एक्सचेंज कर सकते हैं। बच्चों ये 10 रुपीज का नोट हो या 2 रुपीज के 5 कॉइन हो या फिर 2 5 रुपीज के नोट हो तो भी हम एक साथ करके इसको 20 रुपीज के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। पर आपको फिल करने के लिए केवल एक जगह दी है तो हम यहाँ क्या करेंगे 10 रुपीज का नोट बताएंगे। फिर है 50 can be एक्सचेंज फॉर 50 रुपीज के नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं। 20 के 2 नोट हैं, एक की जगह खाली, बताइए कितना होना चाहिए यहाँ पे? हाँ 10 होना चाहिए क्योंकि 20 + 20 40 हो गया, +10 करेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 से हम एक्सचेंज कर सकते हैं। अब है 100 रुपीज का नोट है, 100 रुपीज कैन बी एक्सचेंज फॉर 50 रुपीज का एक नोट है, हमें एक और कितने की नोट चाहिए होगी 50 की ही एक और नोट चाहिए, तब हम क्या कर पाएंगे 100 रुपीज से एक्सचेंज कर पाएंगे। फोर्थ वाला देखिए बच्चों, राइट द प्राइस ऑन द टैग बाई एडिंग द डिनोमिनेशन। यहाँ रुपीज क्वाइंस वगैरह नोट वगैरह दिया हुआ है, इनको एड करके आपको जो यहाँ चीज दी हुई है जो इसके आगे प्राइस टैग दिया हुआ है इसको लगाना है। 5 रुपीज का क्वाइन है, 2 रुपीज का क्वाइन है, 5 + 2 कितना हो गया 7। ये शार्पनर कितने का आ गया 7 रुपीज का। ये पेंसिल बॉक्स है, +5 + 5 + 2 5 5 10 10 + 2 12 12 रुपीज का ये बॉक्स हो गया। फिर देखिए आइसक्रीम है, 10 + 10 + 5 10 + 10 20 20 + 5 25 25 रुपीज का ये आइसक्रीम हो गया। फिर देखिए ये चिप्स का पैकेट है, 10 + 5 + 5 10 + 5 15 15 + 5 20 20 रुपीज का ये चिप्स का पैकेट हो गया। ये इनको काउंट कर करके बच्चों इन बॉक्स में लिखना है ना। फिर देखिए लेट्स ट्राई 13। अब यहाँ क्या करना है बच्चों कि यहाँ पर दिया हुआ है प्राइस टैग लगा हुआ है, आपके पास इतने कॉइन्स हैं, इनमें से आप कितने कॉइन देंगे और इस चीज को ले लेंगे। जैसे एप्पल का प्राइस टैग दिया है 10, आप यहाँ पे देखिए 5 का 5 का 1 का 1 का 1 का 1 का इतने सारे कॉइन हैं आपके पास, आप कौन कौन सा कॉइन देंगे? एक 5 दिया, दूसरा 5 दिया, हो गया 10। आपको यही करना है, क्रॉस करना है, 2 आपके 10, 5 5 मिला के 10 हो गया, आपका एप्पल जो है वो 10 का है, आप 10 रुपीज में ले सकते हैं। फिर बी वाला देखिए, पेंसिल है, इसका 18 रुपीज प्राइस है, तो अब हम 18 रुपीज कैसे करेंगे? देखिए 10 का एक नोट लिया, 5 का एक नोट लिया, 15 हो गया, फिर 16 17 और 18, ये हम इतने रुपए दे करके 18 रुपए हम ये ले सकते हैं और हमारे पास बच जाएगा 2 5 का नोट, यानी 10 रुपीज बच जाएंगे। फिर देखिए ये बुक है 25 की, हम कितना के कौन कौन सा नोट दे सकते हैं? 10 + 10 + 5 10 10 10 10 10 और ये 5 25 हो गया और 5 5 5 15 आपका बच गया। ये सीजर है, सीजर कितने का है? 37 रुपीज का है, तो हम इसको करेंगे देखिए 1, ये 10 हो गया, ये 20, ये 25, ये 30, अब 35 36 37, यानी 1 रुपीज में हमारे पास बच रहा है, बाकी सारे पैसे देके हम ये 37 का सीजर ले सकते हैं। अगला देखिए, टेक द बॉयज हु हैव एनफ मनी टू बाय द टॉय ट्रेन। टॉय ट्रेन को, ये टॉय ट्रेन कितने की है? देखिए 50 रुपीज की है, यहाँ 3 बच्चे हैं, इनके पास रुपए हैं, किस बच्चे के पास पूरा 50 रुपीज है जिससे वो ये टॉय ट्रेन ले सकता है? हमें ये मनी काउंट करना है, 10 + 10 = 20 25 25 में 10 + 35 35 में 5 + 40 इसके पास 40 रुपीज है, 40 रुपीज 50 से कम है मतलब ये नहीं ले सकता। राउंड 10 10 20 20 सॉरी 20 10
10 प्लस 10 20 20 प्लस 20 40 40 प्लस 10 50। राम के पास 50 रुपीज है और टॉय ट्रेन कितने की है, 50 की, तो राम इसको ले सकता है। जॉय का भी एक बार देख लेते हैं, देखिए 5 प्लस 10 15 15 और प्लस 20 करने पे 35 आता है, तो जॉय के पास भी 35 रुपीज है, वो भी नहीं ले सकता। कौन ले सकता है? ओनली राम जो है वो इस टॉय ट्रेन को खरीद सकता है। तो बच्चों आपका ये थर्ड चैप्टर मनी कोर्स बुक में कंप्लीट हो गया है। आपको लेट्स ट्राई 1, 2 और 3 ये तीनों आपको कॉपी में करना है। अगले वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस